तो मेरा नाम है वनप्रीत सिंह। आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल टेक्निकल जे। और चलिए आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो पहली टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है रियलमी की तरफ से, जहाँ पर रियलमी एक्स और रियलमी एक्स लाइट 15 मई को हो सकते हैं लॉन्च। ये लॉन्च होंगे पहले चीन में और उसके बाद में देखने को मिल सकते हैं हमें इंडिया में। अब पता नहीं क्या कुछ लाने वाला है ये नो फोनों में और कब देखने को मिलते हैं हमें इंडिया में रियल मी की तरफ से। और ये तो पता चलेगा पहले ये चीन में लॉन्च किए जाएंगे उसके बाद में अब हमें पता चलेगा। और स्पेसिफिकेशन लीक सामने आई है, उसमें आपको 730 का प्रोसेसर देखने को, पॉपअप सेल्फी कैमरा, इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले सेंसर और 5D कवर्ड ग्लास आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। और 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। शुरुआती जो इसका वेरिएंट है 6 GB प्लस 64 GB स्टोरेज का वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी कीमत हो सकती है 16,500 रुपये। और अब पता नहीं अब कब लॉन्च करता है इंडिया में, अभी तक इसके बारे में कुछ ही लीक सामने नहीं आए। जैसे कुछ पता चलता है तो आपको अगली टेक न्यूज़ में इसकी वीडियो मिल जाएगी। और अगली टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो अगली टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है प्लस को लेकर, जहाँ पर OnePlus 7 जो था उसकी प्री ऑर्डरिंग शुरू हो गई है अमेजोन पर। अगर आप ये OnePlus 7 को 7 Pro को ख़रीदना चाहते हैं तो आप प्री ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अब इसके अमेजोन पर प्री ऑर्डरिंग शुरू है और 8 मई से इसकी प्री ऑर्डरिंग शुरू है और 8 मई के बाद अब इसकी प्री ऑर्डरिंग शुरू हो जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि 14 मई को ये लॉन्च हो सकता है और 8 मई से इसकी प्री ऑर्डरिंग शुरू है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप इसकी प्री ऑर्डरिंग पहले से ही कर सकते हैं। और अगली टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो अगली टेक न्यूज़ ये निकल कर आ रही है OnePlus को लेकर, OnePlus 7 Pro की तस्वीर आई है सामने जो आप इसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नो बेजलेस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी और ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और ये तस्वीर आप सामने देख पा रहे हैं। और 855 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर और स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 6.70 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 6 GB की रैम और Android 9 Pie के अपडेट के साथ आएगा और 128 GB की स्टोरेज। अगर कैमरा की बात कर लेते हो 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का 3 कैमरा सेटअप आपको इसी फ़ोन में देखने को मिल जाएगा और 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। और यही थी कुछ लीक जो इसी फ़ोन को लेकर निकल कर आ रहे थे। और अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो अगली अपडेट निकल कर आ रही है एसोस की तरफ से, जहाँ पर एसोस Zenfone 6 के डिज़ाइन का टीज़र जारी और 16 मई को ये होगा लॉन्च। और ये बता देना चाहता हूँ 16 मई को इंडिया में नहीं लॉन्च होगा, ये पहले चीन में लॉन्च होगा उसके बाद में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और अलग नाम से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी बात कर लेते हैं क्या कुछ स्पेसिफिकेशन होने वाली है। तो इसमें आपको जो 855 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, डुअल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल सकता है और Android 9 Pie के अपडेट के साथ आएगा, 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी और डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी जो कि फुल HD और इसी के साथ 19:5:9 ऑप्टिक रेशियो के साथ आता है। और 16 मई को साफ हो जाएगा कि एसूस के अब 16 मई को पता चल जाएगा क्या कुछ लाने वाला है एसूस अपने यदि फ़ोन में एसूस Zenfone 6 में। अब ये 16 मई को ही पता चलेगा। और यही थी कुछ आज की टेक न्यूज़ यही खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।